देखने में जितनी खूबसूरत, व्यक्तित्व भी उतना ही दमदार है। ये है आईपीएस अंकिता शर्मा, जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पद पर हैं और नक्सल ऑपरेशन की कमान संभाल रही हैं। बस्तर में नक्सल ऑपरेशन की कमान संभालने वाली ये पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, जो इन दिनों सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक छोटे से गाँव की रहने वाली अंकिता ने शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की। ग्रेजुएशन करने के बाद अंकिता ने एमबीए किया और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली गई। दिल्ली में 6 महीने रही, सेल्फ स्टडी की, आईपीएस अधिकारी बनने में सफल रही। हालांकि ये तीसरी बार हुआ। उन्हें साल 2018 में तीसरे प्रयास में सफलता मिली और 203वीं रैंक हासिल हुई। अंकिता को घुड़सवारी और बैडमिंटन खेलने का शौक है। आप उनके इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें वो घुड़सवारी करती हुई नजर आती हैं और उन्होंने ऐसी बहुत सारी तस्वीरें शेयर की हैं। साल 2020 में गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में अंकिता शर्मा ने परेड का नेतृत्व किया था। ये गणतंत्र दिवस परेड की कमान संभालने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला पुलिस अधिकारी हैं। पूरे सप्ताह पुलिस की ड्यूटी निभाने के बाद वो एक बेहद खास काम करती हैं। जी हाँ, 6 दिन नक्सलियों से मुकाबला करती हैं और 1 दिन वो टीचर बन जाती हैं, यानी रविवार को वो टीचर बन जाती हैं। वो अपने ऑफिस में करीब 20 से 25 युवाओं को पढ़ाती हैं, जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब जब इतना करती हैं अंकिता, तो इनके चर्चे भी हैं। कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया यूजर ने अंकिता शर्मा की फोटोज शेयर करते हुए ट्वीट किया, बस्तर में पहली बार नक्सल ऑपरेशन की कमान महिला आईपीएस के हाथों में। इस ट्वीट को रवीना टंडन ने रीट्वीट किया था और तारीफ की थी, जिसके लिए अंकिता ने धन्यवाद कहा था। हालांकि अंकिता का बचपन से सपना था कि वो आईपीएस बने, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आईपीएस की तैयारी करते कैसे हैं। उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं था, इस वजह से उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी हैं और लगातार कामयाबियों को छू रही हैं। अंकिता शर्मा आईपीएस ऑफिसर लाइफस्टाइल बायोग्राफी। दोस्तों कंप्लीट जाने इससे पहले चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों अंकिता शर्मा जो कि छत्तीसगढ़ की एक दबंग आईपीएस ऑफिसर हैं। दोस्तों इनका वजन 55 किलोग्राम, जन्म 25 अप्रैल 1990, जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़। दोस्तों आंखों का रंग काला, बालों का रंग काला, जूते का साइज 6 है, हाइट इनकी 121 पाउंड। बात करें दोस्तों अंकिता के वास्तविक नाम की, तो इनका नाम अंकिता शर्मा है, उपनाम अंकिता, पेशा आईपीएस अधिकारी 2018 से, उम्र 31 साल। दोस्तों बात करें इनके फुट साइज की, तो 5 फिट 2 इंच का इनका साइज है। बात करें दोस्तों सेंटीमीटर की, तो 165 सेंटीमीटर। बात करें दोस्तों अंकिता शर्मा के शैक्षिकता योग्यता की, तो दोस्तों इन्होंने भिलाई से स्नातक की एमए किया हुआ है और धर्म से यह हिंदू, जाति से ब्राह्मण है। बात करें अंकिता शर्मा की शादी की, तो दोस्तों यह विवाहित हैं, भारतीय सेना के कप्तान विवेकानंद शुक्ला से इनकी शादी हुई है। दोस्तों बात करें अंकिता शर्मा को, तो दोस्तों इनको 26 जनवरी 2020 को रायपुर में अंकिता ने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया था। ऐसा करने वाली यह छत्तीसगढ़ की पहली महिला बनी। दोस्तों अंकिता शर्मा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। बात करें दोस्तों अंकिता शर्मा के हाउस की, तो दोस्तों इनका 2 मंजिला घर है जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों फिलहाल ये अपने ससुराल में रहती हैं। बात करें अंकिता शर्मा के फैमिली मेंबर्स की, तो दोस्तों इनकी फैमिली में इनके पिता राकेश शर्मा, इनकी माँ और इसके अलावा दोस्तों 2 छोटी बहनें भी हैं। दोस्तों बात करें दोस्तों फिलहाल अंकिता की शादी के बाद संतान की, तो इनको भी कोई संतान नहीं है। बात करें दोस्तों कार कलेक्शन की, तो दोस्तों अंकिता के पास में कुछ बेहतरीन कारें भी हैं, जिनमें स्कॉर्पियो ये पर्सनली भी यूज लेती हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके पास में क्रेटा का टॉप मॉडल है। इसके अलावा इनके पास में एक मर्सिडीज कार भी है। दोस्तों बात करें अंकिता शर्मा के बाइक कलेक्शन की, दोस्तों अंकिता शर्मा बाइक की बहुत ही बड़ी शौकीन है और इनके पास में रॉयल इनफील्ड के 2 मॉडल हैं, जिनमें एक वाइट और एक रेड भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों इनके पास में एक्टिवा का टॉप मॉडल भी है।
बात करें आईपीएस अंकिता शर्मा के इनकम की, तो दोस्तों इनकी इनकम मंथली इनकम 1.5 से 2 लाख बताई जाती है। बात करें अंकिता शर्मा नेटवर्थ की, तो दोस्तों फिलहाल सोशल मीडिया नेटवर्थ का पता नहीं चला है, लेकिन दोस्तों इनकी नेटवर्थ 20 से 30 लाख रुपए बताई जाती है। दोस्तों अंकिता शर्मा आईपीएस लाइफस्टाइल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब।